हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तो कुछ उस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो रिसेंटली मैं एक शूट पे गया था, तो मैंने कुछ इस टाइप का टोन आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। एंड वहाँ पे कुछ इस टाइप से फ़ोटो क्लिक करी मैंने एंड इंस्टा पे पोस्ट की थी। तो चलिए बिना किसी रिकॉर्ड को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें। मैं डेली ऐसे न्यू कंटेंट वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो मैंने इसे लाइटरूम में इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे लाइट के ऊपर ये ऑटो टूल है, इस पर सेलेक्ट करेंगे एंड मेरा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गया। अगर आपको इस पर अच्छा मतलब एडजस्टमेंट नहीं लगता है तो आप यहाँ पे लाइट वाले कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पैनल को, ये वाला सेटिंग। एंड यहाँ से कलर्स में आ जाएंगे एंड कलर्स में आने के बाद यहाँ से मिक्स में आना है एंड फर्स्ट रेड कलर का हम सेचुरेशन प्लस के साथ रखेंगे 19 एंड ह्यू को -36 एंड लूमिनस को रहने देते हैं। एंड यहाँ से ऑरेंज कलर का हम क्या करेंगे, सैचुरेशन को -51 एंड लूमिनस को प्लस के साइड रखेंगे 44 एंड ह्यू को बढ़ाएंगे 30-31 के आसपास, ठीक है। यहाँ से येलो कलर का हम क्या करेंगे, सैचुरेशन सॉरी ह्यू को बढ़ाएंगे, वो पूरा फुल रखेंगे सैचुरेशन येलो कलर का एंड सॉरी ह्यू एंड सैचुरेशन को -1 रखेंगे 12, ठीक है। एंड यहाँ से ग्रीन कलर का हम क्या करेंगे, ह्यू को नहीं छोड़ेंगे एंड सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ाएंगे 25, ठीक है। एंड यहाँ से एक्वा कलर का हम सैचुरेशन फुल्ली प्लस रखेंगे एंड ह्यू को फुल्ली माइनस, ठीक है, 100। उसके बाद ब्लू कलर का हम सैचुरेशन +100 रखेंगे एंड पर्पल का -44 एंड मेजेंटा का -35। यहाँ से डन डन करने के बाद यहाँ से कलर ग्रेडिंग पे आ जाएंगे एंड ये शैडो वाला टाइप को चूज करके यहाँ से ये एरो को क्लिक करके एंड ह्यू को इसको बढ़ाएंगे 180 एंड सैचुरेशन को 17 रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से थर्ड वाला हाईलाइट चूज करेंगे एंड इसके ह्यू को हम बढ़ाएंगे 98 एंड इसका सैचुरेशन प्लस के साथ रखेंगे 36, ठीक है। एंड देख सकते हो एक ब्लू टोन आ चुकी है। एंड यहाँ से डन करने के बाद यहाँ से इफेक्ट्स में आ जाएंगे एंड क्लियरिटी को 10 एंड बिगिनिंग को -28 एंड मिड पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ से डिटेल्स में आ जाएंगे एंड नॉइज रिडक्शन को 41 एंड कलर नॉइज रिडक्शन को 50 के आसपास रखेंगे। एंड यहाँ से डन, यहाँ से बिफोर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ सेयर एंड सेफ्टी डिवाइस, बाकी के एडजस्टमेंट हम स्नैपशॉट में करेंगे। तो चलिए स्नैपशॉट में चलते हैं। यहाँ से स्नैपशॉट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से ऐड करते हैं पिक्चर को एंड ले रही पिक्चर, ठीक है। एंड इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद फर्स्ट ऐसे जूम करना, ठीक है। एंड यहाँ से इस वाले पैनल को चूज़ करना है एंड यहाँ से सिलेक्टिव एंड यहाँ से इस पर रख के एंड इसको साइज को छोटा करना है एंड ब्राइटनेस को बढ़ाना है, ठीक है। एंड सैचुरेशन को माइनस रखना है, ठीक है। यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे एंड फिर से ऐसे जूम करेंगे एंड यहाँ से पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे, ये रहा पोर्ट्रेट। एंड तीन ऑप्शन इसमें आएगा, तो फेस इसको लाइट को माइनस रखेंगे 0 एंड स्क्रीन स्मूथ को फुल्ली बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड आई क्लियरिटी को 30 कर देंगे यहाँ से राइट। चाहे तो अगर आपका स्मूथ फेस और चाहिए तो पोर्ट्रेट में जाके फिर से एक बार और कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेव पे बटन पे क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ से सेव कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी कमाल के वीडियो में।